स्मार्ट में रख रखाव की बहुत जरूरत है। ये रीपर पर चला हुआ ट्रैक्टर है, अभी भी रीपर पर चला हुआ था। एक तो विशेष करके इसकी जो जाली है रेडिएटर के आगे, कंपनी यहाँ पर जाली देती है, वो जाली निकाल के घर पर रख दे। दूसरी बात, जैसे पानी है इसमें, इसकी बजाय रेडिएटर खोल के पानी चेक करें ट्रैक्टर का, सुबह शाम जो भी जब भी करना है। और फिर ट्रैक्टर के या तो शो उतार के एक्स्ट्रा जाली लगवाई या अगर वो नहीं लगवाना चाहो तो, जैसे ये शो है, इसके मच्छरदानी जरूर भी बांध लें ताकि इसके अंदर वो पना नहीं जावे। और सबसे विशेष है कि क्लच, 9500 स्मार्ट में क्लच, जैसे क्लच में ये ऐसे पल्ले रहनी चाहिए। अगर पल्ले नहीं है तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, इस राड को यहाँ से पल्ले जरूर कर लें। जरूर से जरूर तेल पानी इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और अच्छा ट्रैक्टर है, डीजल कम खाता है, दूसरे से पीटीओ पावर ज़्यादा है। तो आपने कैसा लगा भाई, आप बढ़िया लगा ट्रैक्टर ले रहे जी। हो तो आपने स्मार्ट कैसा लगा? कौन सा ट्रैक्टर आपके पास है? इससे पहले यूरो 60 यूरो 60, उसमें इसमें क्या फर्क है? ये पीटीओ पावर में अच्छा चलता है क्या है, मतलब आपने कैसा लगा? हाँ नू पीटीओ पावर में बढ़िया था, लेकिन नंबर का। अच्छा, हाँ कोई दिक्कत नहीं ने? ना कोई तो दिक्कत इसके मच्छरदानी जरूर लगा ले, इसका शौक है ताकि ट्रैक्टर नहीं। हीट नहीं उठाओगा। अभी भी 3 दिन डंडे ही उठाया हुआ है, 3 से 4 डंडे उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद।